जय माता लक्ष्मी। आज का वीडियो बहुत ही विशेष होने वाला है सभी माताओं बहनों के लिए कि अगर आप रसोई घर में काम संभालती हैं, खाना बनाती हैं, तो कुछ पांच चीज़ें मैं बता रहा हूं जो आप किसी को भी गलती से भी आपको भूल कर भी किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो फिर माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर से चली जाती हैं। तो इस विषय में संपूर्ण जानकारी मैं वीडियो के अंदर दूंगा। बहुत ही उपयोगी वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए, जरूर देखिएगा पूरा वीडियो। वीडियो की शुरुआत होने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स पर जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कौन सी हैं वो जानकारियाँ। दोस्तों, आज फिर हमेशा की तरह इस वीडियो में मैं आपको बेहद खास जानकारी देने वाला हूँ। दरअसल आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रसोई घर की कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में जो भूल कर भी किसी को उधार में नहीं देनी चाहिए। मान्यताएं कहती हैं कि कितना भी मांगे, अगर किसी व्यक्ति के रसोई घर की इन चीज़ों को उधार में दे दिया तो वह व्यक्ति जीवन में पैसों की तंगी के साथ साथ समस्त कष्टों से भी घिरा हुआ होता है। तो चलिए देर न करते हुए जानते हैं वो कौन सी हैं वस्तुएँ। दोस्तों, हल्दी। ज्योतिष शास्त्र की नज़रियों से देखा जाए तो हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से माना जाता है। इसी वजह से माना जाता है कि हल्दी किसी को उधार नहीं देनी चाहिए, यहाँ तक कि हल्दी का दान भी नहीं करना चाहिए, खास तौर पर गुरुवार के दिन, क्योंकि इससे गुरु कमज़ोर होता है और गुरु दोष लगने पर घर में धन की कमी होने लगती है। इतना ही नहीं कि इससे व्यक्ति के जीवन में नौकरी, बिजनेस, करियर, आर्थिक और वैवाहिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इसी के साथ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रसोई घर का चकला, बेलन और तवा भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें किसी को देने से आपका भाग्य भी चला जाता है और घर में किसी की चीज़ की बरकत नहीं रहती है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि दूध का संबंध चंद्र ग्रह से होता है और चंद्र ग्रह अंधेरा ढलने पर पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता है, इसलिए सूर्यास्त होने के बाद हमें भूलकर भी किसी को रसोई घर का दूध या उससे बनी चीज़ें उधार नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष लगता है और जीवन में आर्थिक परेशानियों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याएँ हमें झेलनी पड़ती हैं। अब चलिए जानते हैं रसोई घर में रखी प्याज के बारे में। देखिए, प्याज पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है, इसलिए सूर्यास्त होने के बाद ना तो किसी से प्याज उधार लें और ना ही दें, क्योंकि प्याज किसी को उधार देने से राहु का दुष्प्रभाव अधिक हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में कष्ट ही कष्ट आने लगते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं और घर की सुख समृद्धि चली जाती है। बता दें कि प्याज की तरह ही लहसुन पर केतु ग्रह का प्रभाव पड़ता है। देखिए, लहसुन पर भी केतु ग्रह का प्रभाव होता है, इसलिए हमें कभी भी किसी से ना तो लहसुन उधार लेनी चाहिए और ना ही हमें देनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में अन्न धन की बरकत नहीं रहती है और जीवन में आर्थिक संकट आने शुरू हो जाते हैं। बता दें कि सूर्यास्त होने के बाद ये गलती भूल कर भी ना करें। इन चीज़ों के अलावा नमक, देखिए ध्यान दीजिए, बहुत विशेष बात बता रहा हूँ, नमक जो होती है, नमक जो खाते हैं हम, नमक भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि नमक किसी को उधार में देने से इसका सीधा बुरा प्रभाव घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। खास तौर पर शाम के समय किसी को भी नमक हमें नहीं देना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए, सभी माता बहनों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। संपूर्ण जानकारी आपके लिए बेहद शुभ है और सभी लोग जान लें और वीडियो को शेयर कर दें सभी माताओं बहनों के लिए, ताकि वो भी आने वाले समय में अपने समय पर ऐसी गलतियां कभी भी ना करें, ताकि उनके जीवन में दुष्प्रभाव पड़े, हानि हो और माता लक्ष्मी गलती से रुष्ट होकर चली ना जाए। तो संपूर्ण जानकारी पाने के लिए, ऐसे ही ज्ञानवर्धक पाने के लिए हमारे चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलिए किसी नए ज्ञान के साथ, नई बात के साथ, तब तक के लिए बने रहे चैनल पर। जय माता लक्ष्मी।